मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला है। दोनों ही जमातें इस जंग को जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। 30 मार्च को दूसरे मरहले के इंतखाब के लिए तशहीर खत्म हो गई। तशहीर के आखिरी दिन एक जानी बीजेपी और टीएमसी ने जमकर ताकत का मुजाहरा किया, दूसरी जानब नंदीग्राम में दोनों ही पार्टियों ने वोटर्स को अपने हक में मोड़ने के लिए अपने अपने आखिरी दाव भी चल दिए। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीर खत्म हो गई और अब 1 अप्रैल को वोटिंग का अमल होगा। लेकिन वोटिंग से पहले बैटल ऑफ नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपना अपना आखिरी दांव चल दिया है। अना की जंग बन चुके नंदीग्राम की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी साम दाम दंड भेद हर तरह से जुटी हुई है। चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि ममता के सियासी करियर में अहम मकाम रखने वाले नंदीग्राम की सियासी जंग जब उनके लिए मुश्किल नजर आने लगी तो ममता ने तशहीर के आखिरी दिन कौन कौन से दाव चले। बीजेपी मुसलसल बंगाल में पोलराइजेशन को मुद्दा बना रही है। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी मीर जाफर बताती है तो शुभेंदु अधिकारी ममता को अपनी इंतखाबी रैलियों में बेगम कहते हैं। ऐसे में पहले दीदी ने नंदीग्राम में टेम्पल रन किया, खुद को बड़ा हिंदू बताने के लिए चंडी पाठ किया और तशहीर के आखिरी दिन ममता दीदी ने नंदीग्राम के लोगों को अपना गोत्र तक बता दिया। पुरोहित महाशय, मां तुम्हार गोत्रটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে সেটা সান্ডিল্লো, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। সাফ হে ममता बनर्जी नंदीग्राम की जंग जीतने के लिए 70% हिंदुओं को किसी भी तरह से मुतासिर करना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी ने फौरन ममता बनर्जी के गोत्र वाले दांव पर पलटवार भी कर दिया। ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो सांडिल नहीं है। ममता बनर्जी और टीएमसी हामियों पर बीजेपी मुल्क मुखालिफ और पाकिस्तान हामी होने का इल्जाम भी लगा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी ने तशहीर के आखिरी दिन अपनी हुब्बुल वतनी दिखाते हुए बीजेपी के इल्जाम पर पलटवार करने की कोशिश भी की। तशहीर के आखिरी दिन ममता यहीं पर नहीं रुकी। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में लोकल बनाम बाहरी गुंडों के मुद्दे को भी हवा दी। रिपोर्ट जी मीडिया।